Good morning class, this is our new pharmacology class in which today we will study about the remaining portion of pharmacokinetics. In our previous class we studied about the absorption. We started the chapter pharmacokinetics and pharmacodynamics in which we studied about the absorption. Actually हमने pharmacokinetics start किया था. Pharmacokinetics क्या होता है कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या करती है. तो बॉडी चार चीज़ें करती है ड्रग के साथ में. एक तो ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर उसे मेटाबोलाइज करती है और फाइनली उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है. तो इसमें जो सबसे पहले वो ड्रग को एब्जॉर्ब करती है वो पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं कि ड्रग का मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर चलता है, इंटेस्टाइन में चलता है. अब आज जो हम रिमेनिंग पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में. ड्रग का जो मूवमेंट होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है वो ड्राइविंग फोर्स लगता है ताकि प्लाज्मा से टिश्यू तक ड्रग जो है वो मूव कर सके. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स लगाता है, ड्रग को प्लाज्मा से टिश्यू तक मूव करवा देता है. ये मूवमेंट जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है ड्रग के आयोनाइजेशन पे कि ड्रग कैसी होनी चाहिए. अनआयोनाइज होनी चाहिए. अनआयोनाइज ड्रग तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होती है. मॉलिकुलर साइज ऑब्वियस है, छोटा होना चाहिए ड्रग का. बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन है या लो प्लाज्मा प्रोटीन है वो देखना पड़ेगा. रीजनल ब्लड फ्लो के अंदर डिफरेंस क्या है, जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो है ऑब्वियस है वहाँ ज़्यादा दवाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होएगी, जहाँ ब्लड फ्लो कम है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा. और टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स अगर वहाँ मौजूद है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को फास्ट करवा देते हैं. अब वॉल्यूम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फ्लूड का वो वॉल्यूम होता है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है बॉडी में पाई जाती है उसी सेम कंसंट्रेशन में जिसमें वो प्लाज्मा में पाई जाती है. तो जितनी प्लाज्मा में पाई जाती है उतनी ही बॉडी के अंदर पाई जा रही है सेम कंसंट्रेशन में, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे को पता चलता है ड्रग का टोटल अमाउंट जो बॉडी में किसी समय में मौजूद है. किसी भी समय जो बॉडी में टोटल अमाउंट ड्रग का पता मौजूद होता है उसको पता करना हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम से करते हैं. और इसके अलावा हमें इसमें लोडिंग डोज भी पता चलती है कि हमें कितनी डोज जो है वो लोड करनी है, कितनी अमाउंट में ड्रग देनी है और कितनी उसकी डोज लोड करनी है बॉडी में. तो ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, जिसको अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. इस पर शॉर्ट नोट आता है भाई अलग से, बायो ट्रांसफॉर्मेशन. बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ड्रग में केमिकल का परिवर्तन आना. क्योंकि ड्रग किसकी बनी है, केमिकल की बनी है. तो केमिकल जब ऑल्टर्ड हो जाता है बॉडी में जा करके, चेंज हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द ड्रग. ये क्या कर रहा होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड के अंदर, यानी लिपिड सॉल्यूबल को लिपिड इनसॉल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है ताकि वो रीअब्जॉर्ब ना हो सके रीनल ट्यूब्यूल में जाकर के और क्या हो जाएं, एक्सक्रीट आउट हो जाएं. क्योंकि रीअब्जॉर्ब हो गए तो वापस बॉडी में चले जाएंगे, पर ये नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करता है ताकि रीनल ट्यूबल में जाके कंपाउंड रीअब्जॉर्ब ना हो जाए और वो क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए. ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली चलता है लीवर के अंदर, लीवर के अलावा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा में भी चलता है. अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, फेज़ वन रिएक्शन और फेज़ टू रिएक्शन. फेज़ वन रिएक्शन नॉन सिंथेटिक होती है, फेज़ सेकेंड सिंथेटिक रिएक्शन होती है. फेज़ फर्स्ट रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो जनरेट होता है या मेटाबोलाइट एक्सपोज होता है जो कि एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है. जबकि फेज़ सेकंड रिएक्शन में कॉन्जुगेशन रिएक्शन चलती है, मेटाबोलाइट इसमें अक्सर इनएक्टिव ही होता है. फेज़ फर्स्ट में तो मेटाबोलाइट एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, जबकि फेज़ सेकंड में हमेशा इनएक्टिव मेटाबोलाइट होता है. कुछ ड्रग्स के अलावा सब इनएक्टिव होते हैं. और इसमें कौन सी रिएक्शन चलती है, कॉन्जुगेशन, जैसे ग्लूटानेट की कॉन्जुगेशन रिएक्शन चलेगी. जबकि फेज़ फर्स्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी रिएक्शंस चलती हैं. अब ये फेज़ फर्स्ट जो नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन या अनमास्किंग होता है फंक्शनल ग्रुप का. फंक्शनल ग्रुप जाकर के जुड़ता है या वहाँ से हटता है, अनमास्क्ड होता है. किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, हाइड्रोलाइसिस से, साइक्लाइजेशन और डी साइक्लाइजेशन से. ये रिएक्शंस हैं पाँच तरह की, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोलाइसिस, वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का टूटना, साइक्लाइजेशन में कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, गोल कंपाउंड बनता है रिंग शेप का, और डीसाइक्लाइजेशन रिंग चीज़ टूटती है। ये रिएक्शंस जो है इसकी वजह से ड्रग इनएक्टिवेट होती हैं। अधिकतर ड्रग्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट। इनएक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, एक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, और टॉक्सिक मेटाबोलाइट में भी कन्वर्जन चलता है। तो ये चार तरह की रिएक्शन चलती है, पहला ड्रग का इनएक्टिवेशन, दूसरा इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना, जैसे कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है, या एक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना, जैसे फिनासिटिन का पैरास्टामोल के अंदर कन्वर्ट होना, और या फिर ड्रग जो है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, जैसे मीथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ये सारी फेज फर्स्ट रिएक्शंस हैं। अब फेज सेकेंड रिएक्शन जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर क्या मेन चलता है भाई, कॉन्जुगेशन चलता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप या मेटाबोलाइट जो कि फेज फर्स्ट रिएक्शन में बना था, कि फेज फर्स्ट में देखो अनमास्किंग हुई थी फंक्शनल ग्रुप की, फर्स्ट वर्ड, यहाँ पर क्या होता है मास्किंग होती है, मास्क्ड। जो फेज फर्स्ट में मेटाबोलाइट या फंक्शनल ग्रुप बना था वो मास्क्ड होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा, क्योंकि उसमें कोई चीज़ जुड़ जाती है, चिपक जाती है, उसको मास्क चढ़ जाता है उसके ऊपर किसी चीज़ का। तो कॉन्जुगेशन होता है किसी नेचुरल एंडोजीनस कंस्टिट्यूएंट से, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले किसी नेचुरल कंस्टिट्यूएंट से उसकी मास्किंग होती है। जैसे क्या क्या चीज़ें, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, सल्फेट, एसिटिक एसिड, ग्लाइसिन या मिथाइल ग्रुप जा कर के मेटाबोलाइट वगैरह पे चढ़ते हैं। ये रिएक्शंस यूजुअली ड्रग को इनएक्टिवेट करती है, रिजल्ट इन ड्रग इनएक्टिवेशन। इन रिएक्शन से ड्रग क्या होती है, इनएक्टिवेट हो जाती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दो, लगभग सभी इनएक्टिवेट हो जाती है। एक्सेप्शन में जैसे कि मॉर्फिन 6 कॉन्जुगेट जो होता है वो एक्टिव होता है फेज सेकंड की वजह से, बाकी सबकी सब इनएक्टिव होती हैं। अधिकतर ड्रग्स फेज फर्स्ट से पास होती हैं या सिर्फ फेज सेकंड से पास होती हैं, या फेज फर्स्ट के बाद में फेज सेकंड से पास होती हैं। भाई तीन कैटेगरी हमने कही, या तो ड्रग सिर्फ फेज फर्स्ट से पास होगी, या सिर्फ फेज सेकंड से, या पहले फेज फर्स्ट देन फेज सेकंड से पास होंगी। जबकि कुछ ड्रग जैसे कि आइसोनियाज़िड, ये याद रखना, सिर्फ आइसोनियाज़िड इसका एग्जांपल है, उसका सबसे पहले वो फेज सेकंड से पास होती है और उसके बाद फेज फर्स्ट में पास होती है। ये एक्सेप्शन केस है आइसोनियाज़िड, जो कि पहले फेज सेकंड में जाएगी फिर फेज फर्स्ट में जाएगी, जबकि बाकी सारी ड्रग्स या तो फेज फर्स्ट में जाती हैं या फेज सेकंड में जाती हैं, या पहले फेज फर्स्ट के बाद में फिर फेज सेकंड से पास होंगी। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म पर कौन कौन से फैक्टर्स का असर पड़ता है, तो पहला ड्रग्स का ही असर पड़ता है, दूसरा जेनेटिक वेरिएशन, कुछ लोगों में मेटाबॉलिज्म तेज चलता है, कुछ में स्लो चलता है, न्यूट्रिशनल स्टेट का रोल होता है, आप किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपने उस समय खाना खाया है नहीं खाया है, भूखे पेट दवाई लिए कैसी है, डोजेस हाई डोज ली है लो डोज ली है, या एज का, उम्र का फ़र्क पड़ता है। ड्रग्स में भाई एक ड्रग जो होती है वो कॉम्पिटिटिवली दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहेबिट कर देती है, क्योंकि वो सेम एंजाइम को काम में ले लेती है, तो वो एंजाइम उस दूसरे ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, सेम एंजाइम या कोफैक्टर को काम में ले लेती है। तो ये अपना वर्क या तो एंजाइम इंडक्शन के द्वारा करती है या एंजाइम इनहिबिशन, ये दोनों पॉइंट्स भी अच्छे से पढ़िए, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। हालांकि ये पॉइंट्स आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम नाम के चैप्टर में आपको पढ़ाए गए थे, पर तब आपको ये नहीं पता था कि आपको इसको ड्रग के मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ना है। देखिए एंजाइम इंडक्शन क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो होती है वो माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है या एंजाइम के डिग्रेडेशन को कम कर देती है, या तो एंजाइम के सिंथेसिस को बढ़ाती है या एंजाइम के डिग्रेडेशन को कम कर देती है, दोनों एक ही बात है भाई। इन दोनों की वजह से एंजाइम का अमाउंट बढ़ेगा, इसको एंजाइम इंडक्शन कहते हैं। एंजाइम क्या करता है, बायोट्रांसफॉर्मेशन करवाता है या मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग टूटेगी, एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ड्रग टूटेगी, मतलब ये एंजाइम अगर मौजूद है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगा। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कौन करवाता है, एंजाइम इंडक्शन। जबकि एंजाइम इनहिबिशन वो ड्रग्स होती हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को रोक देती हैं, ये तेज़ी से होता है एंजाइम इंडक्शन के कंपैरिजन में, और इससे सीरियस ड्रग इंटरैक्शन देखने को मिलता है। ड्रग इंटरैक्शन इससे काफ़ी सीरियस होता है और ये तेज़ी से होती है। अब जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है भाई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जेनेटिकली डिटरमाइंड
जैसे पॉलीमॉर्फिज्म डिटरमाइंड होता है, लाइक आइसोनियाजिड है वो लीवर में एसिटाइलेशन के द्वारा तेजी से मेटाबोलाइज होती है। तो इसके दो अब फॉर्म्स हो गए, स्लो और फास्ट, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एसिटाइलेशन के लिए, कि भाई कई तो क्विकर हैं और कई स्लोअर हैं, बस ठीक है, ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है आपके लिए। न्यूट्रिशनल स्टेट, कॉन्जुगेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बॉडी न्यूट्रिशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे लो प्रोटीन डाइट अगर आप ले रहे हो तो ग्लाइसिन को कम कर देगी। तो ग्लाइसिन, ये अपने कहा मेटाबॉलिज्म में रोल होता है इसका, ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म जो फेज सेकेंड में मैंने कॉन्जुगेशन रिएक्शन में बताया। अब डोजेज, हाई डोज जो होती है वो मेटाबॉलिक एंजाइम को सैचुरेट कर देती है, जिससे कि ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब एज, एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ड्रग इकट्ठी हो जाएगी, अगर हाई डोज लेंगे तो मेटाबॉलिक एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा और ड्रग जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। जबकि एज में ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्सट्रीम एज में ऑब्वियस से कम हो जाता है, भाई बच्चों में और बूढ़ों के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो चलता है इन कंपैरिजन टू एडोलिसेंट एंड एडल्ट पर्सन। एडोलिसेंट एडल्ट स्टेज के अंदर काफ़ी फास्ट होता है आपका मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिक रेट BMR बहुत हाई होती है, जबकि बचपन में और बुढ़ापे के अंदर ये BMR कम होती है। तो ये तो हुआ मेटाबॉलिज्म का पोर्शन आपका कंप्लीट। लास्ट पोर्शन है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन क्या है, ड्रग के एक्शन का ख़त्म हो जाना, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। जब ड्रग अपना पूरा काम कर चुकी, वो एब्जॉर्ब हो गई, वो हमारे बॉडी टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वहाँ मेटाबोलाइज्ड होकर के अपना फंक्शन कर चुकी, तो अब उसको ख़त्म करो भाई, काम कर चुके तो निकालो उसको शरीर से। तो टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, जिसमें ड्रग या मेटाबोलाइट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ड्रग्स और उनके मेटाबोलाइट यूरिन में, फीसेस में, जो आप सांस छोड़ रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं एक्सहेल एयर में, सलाइवा में और स्वेट पसीने के द्वारा, वो बाहर निकल जाती हैं। अब दो स्टेज किडनी प्रोसेस में चलते हैं, एक तो फिल्टर और एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन। मेटाबोलाइट जो होते हैं वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो किडनी से रीअब्जॉर्ब होते हैं, बल्कि इनका क्या होता है, ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स जो होती है उनके एक्टिव मेटाबोलाइट जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो जरूर रीअब्जॉर्ब होकर वापस सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जैसे प्रो ड्रग्स होती हैं, प्रो ड्रग्स वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरे एलिमिनेशन के रूट्स में लंग्स, बाइल, स्किन, इसके द्वारा भी ड्रग्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाती हैं। बस ये मेटाबॉलिज्म, सॉरी एक्सक्रीशन आपका कंप्लीट। अब इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर कुछ टर्म्स हमारे को पढ़नी होती है, जैसे हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। इसमें क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है, किसी ड्रग का वो समय जो ड्रग को ब्लड लेवल में 50% तक कम कर देता है, वो उसकी हाफ लाइफ, मतलब वो समय जिसमें ड्रग आपके ब्लड में से आधी ख़त्म हो चुकी होती है। आपने जो ड्रग ली उसका जो आधा पोर्शन जिस समय पर ख़त्म हो जाता है उसको एलिमिनेशन हाफ लाइफ या प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं भाई, इसको प्लाज्मा हाफ लाइफ भी कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है, ड्रग का वो अमाउंट जो 50% तक कम हो चुका है ब्लड प्लाज्मा में, तो उस समय को हम प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। दूसरा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो तभी अपन ने देखा ही था, ये डोज अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन से देखा जाता है। ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जो कि ड्रग को डिस्पर्स होने के लिए अवेलेबल होता है, कि जिसके द्वारा वो डिस्पर्स हो सके जितने वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्लियरेंस, ब्लड का वो वॉल्यूम जिसमें से ड्रग हट चुकी है पर यूनिट टाइम में हट रही है, या हट चुकी है पर यूनिट टाइम में जो ड्रग हट रही है ब्लड के उस जिस वॉल्यूम से, उसको अपन क्लियरेंस कहते हैं, ड्रग क्लियरेंस। अब ड्रग इंटरैक्शंस देखिए, फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन और फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन। फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन में क्या है कि ड्रग जो होती है इंटरैक्शन प्रोड्यूस करती है प्रिपिट्रेटर के रूप में, और मेटाबॉलिक क्लियरेंस, ड्रग के मेटाबॉलिक क्लियरेंस में चेंज ले आती है, जिससे कि इंटरेक्शन के द्वारा, ये जो चेंज है वो इंटरेक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है। कैसे चेंज हो रहा है, कि जो ड्रग विक्टिम ड्रग का जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। हम मेटाबॉलिक क्लियरेंस पढ़ रहे हैं ड्रग का, तो उसमें हम देखते हैं या तो ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ गई है या कम हो गई है, किस जगह पर, जहाँ पर उसको असर दिखाना है भाई, जहाँ पर असर दिखाना है वो यहाँ, वहाँ पर अगर अभी ड्रग पहुँची है तब तो ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जो वहाँ तक आई जा रही है ब्लड के द्वारा,
तो ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब वो अपना असर दिखा चुकी होती है तो वहाँ से उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है, कम होता है कि निकलने लग जाती है। तो ड्रग विक्टिम का कि कंसंट्रेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना ही इंटरेक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। जबकि फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में क्या होता है, या तो इनहिबिशन हो जाता है उसके क्लिनिकल इफेक्ट का, या एनहांसमेंट, वो जो अपना असर दिखा रही है, ड्रग का जो असर है वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल एंड ऑर्गन एक्शन। कि वो अपना एंड ऑर्गन एक्शन दिखा रही है तो उसका या तो असर बढ़ गया या कम हो गया। बस इसके साथ में ये आपका फार्माकोकाइनेटिक नाम का पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप अपनी बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट पढ़ा दिया है, पर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने बुक से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट से भी पढ़िए, इसमें जितनी चीज़ें दी हुई वो पढ़िए तो आप पूरा ही। हालांकि मैं बताती रहती हूँ कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो मैंने जो कह दी कि इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको अगर आप पढ़ना चाहें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं है ये बात इसलिए कही है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता, तो उसमें हम एक एक पॉइंट को इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो भाई नहीं। इसके अलावा पैथो और जेनेटिक्स भी अपन को करना है, वो सब्जेक्ट्स भी मेरे ही हैं, तो मुझे उन सब्जेक्ट्स की भी टेंशन है। ये नहीं हो कि आप एक पेपर करने के चक्कर में बाकी 2 पेपर छोड़ दो और बैक लग जाए आप लोगों के। तो आपको आंसर लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें जितना पूछा गया है, जितनी आवश्यकता उतना ही आंसर के, बहुत ज़्यादा कचरा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। इसलिए मैं आपको जगह जगह बताती रहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पूरा आराम से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फार्माकोडायनामिक स्टार्ट करेंगे।